दोस्तों, यहाँ हम लोग रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। क्लास 9th के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए, यहाँ मैंने सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लिए हैं, उनको देखेंगे। हाउ वाज सोसाइटी ऑर्गेनाइज इन यूरोप बिफोर द 18th सेंचुरी। पूछ रहा है कि यूरोप में 18th सेंचुरी से पहले सोसाइटी किस तरीके से ऑर्गेनाइज थी। बिफोर द 18th सेंचुरी सोसाइटी वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू स्टेट्स एंड ऑर्डर। स्टेट का मतलब होता है अचल संपत्ति, एंड इट वॉज द एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। तो एरिस्टोक्रेसी था, राजतंत्र है, और चर्च है जो कि इकोनॉमिक और सोशल पावर को कंट्रोल कर रही है। वर द पीपल इन द 18th सेंचुरी यूरोप इन फेवर ऑफ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। बोलता है कि क्या समाज के लोग चाहते थे कि समाज में परिवर्तन आए, समाज का जो है अमूल ढांचा वो बदले। तो बेसिकली हर वक्त जो है परिवर्तन तो चाहेंगे, लेकिन वो परिवर्तन जो है वो एक साथ बहुत तेज रफ्तार से ना हो जाए, धीरे धीरे हो तो जा करके फिर बहुत अच्छा होगा। सम पीपल वॉन्टेड चेंज बट दे विश्ड फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट, कि धीरे धीरे हो। वाइल सम वॉन्टेड टू रिस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, तो जो रेडिकल्स थे वो चाहते थे कि सोसाइटी में परिवर्तन हो, और वो परिवर्तन जो है एकाएक से आए, आमूलचूल परिवर्तन हो। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो मतलब जार के ज्यादा करीब थे, तो वो चाहते थे कि अगर चेंज आना भी है तो वो धीरे तरीके से आए, स्लो आए। विच ग्रुप इन यूरोप लुक टू चेंज सोसाइटी। तो बोलता है कि वो चेंज के बारे में बात करने वाले कौन लोग थे। तो चेंज के बारे में बात करने वाले लोग जो थे वो थे, उनको रेडिकल्स कहा जाता है, लिबरल्स कहा जाता है। लिबरल्स जो है वो चेंज चाहते थे, और उनको जो चेंज चाहिए था तो वो फास्ट चेंज चाहिए होता था, और बिल्कुल कंप्लीट चेंज चाहिए होता था। विच काइंड ऑफ नेशन डिड्स द लिबरल वांट। बोलता है लिबरल्स जो है उनको कैसा नेशन चाहिए था। तो द लिबरल्स वॉन्टेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। जो लिबरल्स थे उनको चाहिए था एक ऐसी कंट्री जहाँ पर हर धर्म का इज्जत हो और हर को बराबरी का दर्जा मिले। व्हाट वाज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द लिबरल्स। बोलता है कि लिबरल्स का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो क्या था। तो लिबरल्स जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में विश्वास नहीं करते थे कि सबको वोट हो, हर वोट की वैल्यू एक हो, इसमें वो विश्वास नहीं करते थे। They felt man of property mainly should have the voting right. They did not want to vote for woman. तो उनको ये लगता था कि जिन जो संपत्ति वाले हैं वो लोग वोट देंगे, और औरतों को वोटिंग राइट हो ऐसा भी वो नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर वो मतलब उनकी पॉलिसी जो है वो मार खा रही थी। Who were radicals? बोलता है radicals कौन थे। The group of people who wanted to change the society thoroughly were called radicals. ऐसे लोग जो सोसाइटी में एक साथ पूरा परिवर्तन चाहते थे वो रेडिकल्स थे। दे डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, और उनको ये भी पसंद नहीं था कि पूरी संपत्ति जो है वो कुछ थोड़े से लोगों के हाथों में सिमट करके रहे, वो ये भी नहीं चाहते थे। व्हाट काइंड ऑफ नेशन डिड्स द रेडिकल वॉन्ट। तो जो रेडिकल्स थे वो कैसा नेशन चाहते थे। The radicals wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population. तो basically radicals जो है वो चाहते थे कि एक ऐसा देश, एक ऐसा समाज जहाँ पर जो है majority का चलेगा। Mention one difference between liberals and radicals. Liberals और radicals में एक अंतर बताने के लिए कहा जा रहा है आपको। Radicals opposed the privilege of great landowners and wealthy factory owners, but liberals were in favor of these privileges. जो radicals थे वो जो जमींदार थे या wealthy factory owners थे उनको जो भी कुछ विशेषाधिकार मिला हुआ था, privilege मिला हुआ था, उसके अगेंस्ट थे। लेकिन liberals जो थे वो उनके फेवर में थे कि नहीं, अगर उनके पास विशेषाधिकार है तो वो विशेषाधिकार रहने दिया जाए। What was suffragette movement? तो ये जो है ये एक ऐसा मूवमेंट था कि इट वाज अ मूवमेंट टू गिव वुमन द राइट टू वोट। भारत में ही ऐसा हुआ कि हम लोग जब आजाद हुए तो हम लोगों ने वोटिंग राइट दिया और सबको दिया। तो पहले में वोटिंग एज जो थी वो 21 था, बाद में राजीव गांधी के टाइम में उसको घटा करके 18 किया, और उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं था, कोई डिमार्केशन नहीं था कि ये वोट नहीं करेगी, वो वोट नहीं करेगा, सब वोट करेंगे और औरतों को भी वोटिंग राइट होगी।
लेकिन यूरोप में इवन यूएसए में भी जो है औरतों ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और तब जाकर के उन्हें इस बात का अधिकार मिला कि यस यू विल ऑल्सो हैव द वोटिंग राइट। तो औरतों के वोटिंग राइट्स के लिए जो लड़ाई थी उसको सफ्रगेट मूवमेंट कहा गया। बोलता है हु वाज गिसिपी मेज़िनी। अब इसके बारे में आप लोग क्लास 10th में भी पढ़िएगा। ये इटालियन नेशनलिस्ट थे हु वर्क फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड लेड द इटालियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। और इटली के थे और इटली के यूनिफिकेशन के लिए काम किया और इटालियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चलाया। हिज एफर्ट्स हेल्प ब्रिंग अबाउट द इंडिपेंडेंट एंड यूनिफाइड इटली इन प्लेस ऑफ सेवरल सेपरेट स्टेट्स। और उनकी वजह से ही इटली जो है वो पूरा एक देश बना, छोटे छोटे बिखरे हुए राज्य ना रह करके पूरा पूरा एक देश में कन्वर्ट हुआ। व्हाट वाज द बेसिक आइडियाज ऑफ सोशलिज्म। समाजवाद जो है उसका मुख्य आइडिया क्या है। सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, दे सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। जो समाजवादी थे, जो सोशलिस्ट थॉट वाले थे, उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज किया और उनका ये मानना था कि ये जो निजी संपत्ति अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है, वही सारी बुराइयों की जड़ है। हाउ डिड द कॉपरेटिव वर्क इन द अर्ली 19th सेंचुरी। बोलता है कॉपरेटिव्स कैसे काम करता था। कॉपरेटिव्स वेयर द एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर्स। तो कॉपरेटिव में क्या था कि ग्रुप है। कॉपरेटिव तो कई टाइप के हो सकते हैं। प्रोड्यूसर के लिए हो सकता है, कंज्यूमर के लिए हो सकता है, हाउसिंग के लिए हो सकता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए हो सकता है, सो ऑन सो ऑन आज के डेट में। लेकिन उस टाइम में जो था वो बेसिकली प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव था। तो मेन मकसद यही था कि आओ सब मिलकर के बनाएंगे, सब मिलकर के बनाएंगे तो इनपुट्स जो है वो सस्ते पड़ेंगे और एक साथ उसकी मार्केटिंग हो जानी है और फिर उसका जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग आपस में डिवाइड कर लेंगे। ये मेन एजेंडा था। कार्ल मार्क्स जो है वो कौन। तो कार्ल मार्क्स जो है वो बहुत बड़े थिंकर थे, दास कैपिटल और मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी के ऑथर। और जो एक समय पर बोलिएगा कि बहुत बड़े सोशलिस्ट थिंकर। कार्ल मार्क्स वॉज अ जर्मन फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट। जर्मन फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट थे। ही इज कंसिडर्ड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशल थिंकर टू एमर्ज इन द 19th सेंचुरी। और 19वीं शताब्दी में जो सबसे बड़ा सामाजिक चिंतक विचारक उभर करके आए उनमें से उनका नाम लिया जाता है। वॉट वॉज द सेकेंड इंटरनेशनल। बाय द 1870 द सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म इंटरनेशनल बॉडी विच केम टू बी नोन एज सेकेंड इंटरनेशनल। तो जो ये 1870 तक जो ये समाजवादी विचारधारा थी ये पूरे यूरोप में फैल गई और कि हमारे जो भी कुछ भी प्रयास हों वो एक जैसे हों और एक साथ मिलकर के उस एफर्ट का कुछ आउटकम आए। तो इसके लिए उन्होंने कोशिश किया था और इसके लिए एक इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म किया था और उस बॉडी का नाम था सोशलिस्ट इंटरनेशनल। वन डिड द सोशलिस्ट टुक आफ्टर टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया। बोलता है कि सोशलिस्ट ने कब ये गवर्नमेंट लिया। तो सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन इन 1917। 1917 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद से समाजवादियों के हाथ में चली गई और जार का शासन खत्म हो गया। हु रूल्ड द रशिया एंड इट्स एम्पायर इन 1940। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में बोल रहा है। तो उस वक्त जो है जार निकोलस सेकेंड था, वो रशिया और उसके एम्पायर को रूल करता था। बेसिकली जार थी और जार की पत्नी थी जारीना, और जारीना जो थी उसका जो भी बोलिएगा एक पादरी था रास्पुटीन, ठीक है। और उसको वहां के लोग पसंद नहीं करते थे। तो बेसिकली जो बोलिएगा जार जो था वो इन्फ्लुएंस था अपनी पत्नी से और पत्नी जो थी वो इन्फ्लुएंस थी वो जो पादरी था रास्पुटिन उससे। तो जार जो है मेन चेहरा है और अंदर का गेम जो है वो सारा रास्पुटिन का चल रहा है, उसी के हिसाब से रूल हो रहा है। और 1914 में तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, 1939 से 45 तक का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें भी शुरू में जर्मनी ने रशिया की बहुत बुरी हालत खराब की थी। वो तो अमेरिका आ गया कूद करके और इसलिए जर्मनी शांत हुआ और यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज की जान बची, नहीं तो जर्मनी ने तो हालत खराब कर रखी थी। वॉट वॉज द मेजोरिटी रिलीजन ऑफ रशिया एट दैट टाइम। तो बेसिकली जो एट द टाइम ऑफ मेजोरिटी रिलीजन ऑफ रशिया वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। उस समय में जो है रशिया के अधिकांश लोग जो थे वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में विश्वास करते थे।
व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन रशिया बिफोर 1914? बोलता है 1914 से पहले जो वहाँ के राजनीतिक पार्टियाँ थी उसका क्या हालत था। तो जब जार का शासन चल रहा है, राजा है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज की क्या बिसात होगी, उसको सारा कोई लीगल डिक्लेयर कर दिया गया था भाई आपकी कोई बिसात ही नहीं है, आपकी कोई अहमियत ही नहीं है। बोलता है जेडिट्स कौन थे, तो देवर मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन द रशियन एम्पायर हु वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम रीड देयर सोसाइटीज। वो बेसिकली मॉडर्न थे और वो चाहते थे कि इस्लाम जो है वो भी अपने आप को आधुनिक करे और अपने आप को एक आधुनिक नए सोच विचारधारा आइडियोलॉजी के साथ वो लेकर के आए और चीज़ों को लीड करे, सोसाइटी को लीड करे। नेम द टू यूरोपियन अलायंसेस बिटवीन विच ऑकर्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो दो थे, एक सेंट्रल पावर थे, एक एलाइज थे। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। तो सेंट्रल पावर में थे तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, और एलाइज जो थे उसमें था फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। तो थैंक यू, और ये सारा स्लाइड जो है ये याशिका ने बनाया है और इसको एक्सप्लेन किया है चंद्रहास झा ने। थैंक यू।